वहीं छत्तीसगढ़ में हाथी बेकाबू हो चले हैं। फसलों के नुकसान से किसानों में कोहराम मचा है। आलम यह है कि गांवों में डर का माहौल है। सवाल है कि आखिर हाथियों के जंगलों में नहीं रुकने की बड़ी वजह क्या है? छत्तीसगढ़ में किसान लगा रहे गुहार, हाथियों से कब तक मचेगा हाहाकार। जिस वक्त लोगों को सोना था उस समय हाथियों से खुद को बचाने में जुटे हैं। फसलें तो तबाह हो ही रही है, अब घर भी सुरक्षित नहीं है। हाथियों के झुंड ने प्रदेश के कई गांवों में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। रात में लोग रोशनी के सहारे न सिर्फ फसलों को बचा रहे हैं बल्कि खुद की भी हिफाजत कर रहे हैं। आलम यह है कि हाथियों को भगाने के तमाम उपाय अब बेकार साबित हो रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अदूरदर्शिता के कारण आई। उस सरकार के द्वारा अंधाधुंध जो वनों का दोहन किया गया, जो वनों के नीचे हाथियों के प्राकृतिक रहवास क्षेत्र थे वहाँ पे उत्खनन किया गया, उसके कारण हाथियों का जो प्राकृतिक रहवासी इलाका था वन के अंदर में वह डिस्टर्ब हुआ, जिसके कारण हाथी अब मनुष्य के आवासीय क्षेत्रों में आ रहे हैं, जिसके कारण मानव हाथी द्वंद्व की स्थिति निर्मित हुई है। हमारी सरकार बनने के बाद इस दिशा में प्रयास शुरू किए गए हैं। तीन तीन हमने हाथी रिजर्व की घोषणा की है, जिसके बारे में राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में इस विषय को प्रमुखता से लिया था कि गजराज योजना के तहत लेमरू प्रोजेक्ट लाएंगे और हाथियों को उनके रहवासी स्थल उपलब्ध कराएंगे, लेकिन चार साल में इस विषय पे कोई कार्य होता दिख नहीं रहा है। लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री जी और टीएस सिंहदेव जी का विवाद जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में वन्य जीवों के लिए की स्थिति स्पष्ट थी। तमेर पिंगला और बादलखोर जैसे दो अभ्यारण्य बने और मनुष्य और हाथी द्वंद्व को दूर रखने के लिए विभिन्न प्रयास हुए। इस सरकार में जब से कांग्रेस की सरकार बनी चार साल में 50 से ऊपर हाथियों की मृत्यु हो चुकी है। ये तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकारी संरक्षण में हाथी अंगों की तस्करी और वन्य जीवों के भी लगातार मरने और वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं आ रही है। अब सवाल है कि आखिर हाथी गाँव की ओर क्यों आ रहे हैं? तो बताया जा रहा है कि जिन जंगलों को हाथियों का आशियाना माना जाता था वहाँ इंसानी दखल बढ़ रहा है, जिससे मजबूरी में हाथी गाँव की ओर आ रहे हैं। ये स्थिति तब है जब हाथियों को जंगलों में रोकने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं। पहले आपको बताते हैं कि हाथियों को जंगलों में रोकने के लिए कहाँ कितनी राशि खर्च हुई। तो आंकड़े बताते हैं कि कटघोरा वन मंडल में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो वही सरगुजा वन मंडल में 3 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि जशपुर वन मंडल में 16 लाख रुपए का इस्तेमाल किया गया। फिर भी हाथी जंगल में नहीं रुक रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर हाथी गांव की ओर क्यों आ रहे हैं? तो बताया जा रहा है कि हाथियों से जुड़े प्रोजेक्ट धरातल पर कम उतरे, कुछ योजनाएं अधूरी हैं, तो कुछ प्रोजेक्ट कारगर नहीं हुए। जंगलों में अतिक्रमण बढ़ रहा है, जंगलों में इंसानी दखल बढ़ रहा है, सड़क निर्माण में बैरिकेड्स का ख्याल कम रखा जा रहा है, निर्माण कार्य में जानवरों का ख्याल कम रखा जा रहा है। मतलब ये कि हाथियों का जो प्राकृतिक ठिकाना है वो छिन रहा है, इसीलिए वो गांव की ओर जा रहे हैं, या यूं कहें कि वो अपने घर में है जहां दखल ज्यादा बढ़ रहा है। देखिएगा, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। हमको उनके साथ में रहना है, को एग्जिस्ट करने का है। वो हमारी फसल खाते आ रहे हैं, खाते रहेंगे। हमें किसानों को इसका मुआवजा दिल खोल के देना चाहिए। अभी हम 9000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं। मैंने 2 साल से मांग कर रखी है कि ये मुआवजा राशि 24000 रुपये प्रति एकड़ होनी चाहिए। दूसरी जो एक शर्त है कि मिनिमम 1/3 नुकसान होना, उससे ज़्यादा नुकसान होना जरूरी है, वो शर्त भी हटाई जाए। 24000 रुपये जो है किसान को आज मिलेगा तो किसान इतना जो है उसको नुकसान नहीं होगा और 24000 रुपए में उसका बोनस की क्षतिपूर्ति भी हो जाएगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हाथियों का स्वभाव बदलता जा रहा है। वो आबादी के बीच रहने को आदी हो रहे हैं, फसल खाने की उन्हें लत लग रही है, इससे किसानों को भी नुकसान हो रहा है और इसी चक्कर में हाथी और मानव के बीच द्वंद्व भी हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 में 64 लोगों की मौत हुई, 2017-18 में 76, 2018-19 में 56 और 2020-21 में 57 लोगों की जान गई।
ऐसा नहीं है कि संघर्ष में सिर्फ इंसानों की जान गई है, बल्कि सच तो ये है कि हाथियों की मौत भी लगातार हो रही है। बीते 3 साल में हाथियों के मौत के आंकड़ों पर अगर नजर डालें, तो सूरजपुर वन मंडल में 10, धर्मजयगढ़ में 9, कटघोरा में 6, जशपुर नगर में 5 और सरगुजा में 3 हाथियों की मौत हुई है। आलम यह है कि छत्तीसगढ़ में हाथी और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है, इससे जानमाल का नुकसान भी हो रहा है, फिर भी वन विभाग उन्हें जंगलों में रोकने में क्यों नाकाम है, ये सवालों के घेरे में है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में वन्य जीव हाथी की दस्तक से लोगों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से जशपुर इलाके में किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद किसान वन विभाग और सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि कोई उपाय किया जाए ताकि उनकी फसलों का नुकसान रोका जा सके। ऐसे में छत्तीसगढ़ का सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने आ खड़ा हुआ है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। वहीं वन्य जीव प्रेमी और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समस्या का कोई हल नहीं है, अगर किसानों का नुकसान होता है तो उनके मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि किसान परेशान न हो। बहरहाल इस पूरी बड़ी समस्या का हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि किसानों को नुकसान की भरपाई होती है, मुआवजे में करोड़ों रुपए बांटे जा चुके हैं, लेकिन हाथियों को रोकने के प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुए।